हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। करंट अफेयर क्विज दोबारा से आ गए हैं हम एक दिन एक नए दिन नई शुरुआत के साथ। मैं हूँ प्रियंका, आप देख रहे हैं आर्यांश क्लासेस। 10 क्वेश्चन हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, 2019 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का खिताब किसने जीता है? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी मुंबई इंडियंस, डी दिल्ली कैपिटल्स। राइट आंसर इज सी मुंबई इंडियंस। दूसरा प्रश्न, कौन अधिवक्ताओं के लिए बीमा कवर तैयार करने वाली समिति का प्रमुख है? ए सचिव कानूनी मामला, बी गृह सचिव, सी वित्त सचिव, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए सचिव कानूनी मामला। तीसरा प्रश्न, किस शहर ने भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 14वें सीआईआई एक्सिम बैंक कॉन्क्लेव की मेजबानी की? ए भोपाल, बी पुणे, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। राइट आंसर इज डी नई दिल्ली। चौथा प्रश्न, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी कावेरी, सी चिनाब, डी यमुना। राइट आंसर इज सी चिनाब। पांचवा प्रश्न, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से दुनिया की सबसे वृद्ध जीवित व्यक्ति के रूप में किसे नामित किया गया है? ए चियो मियाको, बी मारिया कैपोविला, सी केन तनाका और डी मिसाओ ओकावा। राइट आंसर इज सी केन तनाका। छठा प्रश्न, किस भारतीय फिल्म ने कॉन्स में नेस्प्रोसो टैलेंट 2019 के अंतर्राष्ट्रीय खंड में तीसरा पुरस्कार जीता है? ए जूस, बी हॉफ टिकट टू, सी सिड मदर, डी द चेयर। राइट आंसर इज सी सिड मदर। सातवां प्रश्न, 2019 चुनावों के बीच इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए जोको विडोडो, बी सैंडियागा उनो, सी बीजे हबीबी, डी मेगावती सुकर्णोपुत्री। राइट आंसर इज ए जोको विडोडो। आठवां प्रश्न, आईटीसी लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रणव कुमार दास, बी महेंद्र सिंह, सी संजीव पुरी, डी राजेंद्र शर्मा। राइट आंसर इज सी संजीव पुरी। नवा प्रश्न, किस देश ने कान फिल्म महोत्सव के 72वें संस्करण की मेजबानी की? ए जर्मनी, बी चीन, सी फ्रांस, डी यूएसए। राइट आंसर इज सी फ्रांस।